लो भाई गिर दी मोटरसाइकिल वाला गाइस मेरे को मारा जा रहा है, अगर आप हेल्प कर सकते हो कर दो। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, बताओ कि आप सब ठीक हो भाई। कल मतलब कल शाम से लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई। एक्चुअली कोई डीजे आया था, लिया भाई बम्बू यहाँ लिखाड़ी बात। तो भाई कल डीजे आया था जिसने पूरे मतलब गांव की लाइट वाइट की जो तार है तोड़ दिए। भाई क्या करे थे, ऊंचे ऊंचे बॉक्स धर रखे, मैं वही कह रहा हूँ बेस बेस चाहिए उन्हें। तो भाई मेरा सामान आ चुका है जो कि मैंने मंगाया था, ये बम्बू पर धर के देखा। एक्चुअली ये ऐसा भी है, अगर गाड़ी फंस फंस जाती है तो इसको नीचे रख के गाड़ी को निकाल भी सकते हो आप। मतलब इसमें दिखा तो ऐसे रखा है, देखो ये रहा, इनमें आएगा फ्यूल। इस चक्कर में मैंने लगवाया था, अब इनको यार फ्यूल में अंदर नहीं रख सकते इनको, क्योंकि लीक होंगे, सौ चीज़ झंझट होगी। तो इस चक्कर में हैं, अरे अंदर लीक हो जाए, सौ चीज़ हो जाए, डर डर लाया यार। फिर भी किसी के बाल कितने नीचे करते हैं जितने हमारे करे। सही लग रही है ना। अब कभी भी अगर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे फ्यूल की कमी है तो अब अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास आ चुका है खुद का पेट्रोल पंप। 90 और 40 कितने होते हैं, 130 लीटर। 130 लीटर भाई बहुत हो जाएगा। पर अब एक बार चलते हैं, मैं स्विफ्ट को देख के आता हूँ। और भाई लाइट नहीं आ रही है तो भाई मेरा ड्रायर भी चला नहीं, तो इसलिए बाल ऐसे ही रह गए। मैंने छोड़ यार, अब वॉश करूंगा, फिर पता नहीं शाम को नहाएंगे। शाम को एक प्रोग्राम में भी जाना है और भाई बियर्ड भी सेट करानी है और मेरे को कपड़े भी लेके आने हैं आज ही, क्योंकि अब नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ आज ले आऊँ या फिर, मेरे दिमाग में ना दो प्लान थे। अब दो प्लानों में से ना अभी एक प्लान काम कर रहा है, बट वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार कपड़े देखते हैं, देन उसके बाद देखते हैं गाड़ी को, स्विफ्ट को, क्योंकि शायद स्विफ्ट आज पेंट हो गई होगी, उसने बोला था कल, नहीं तो आज पेंट हो जाएगी। भैया खोल दो यार, दे दो पर्ची, दे दो। उसको तो वैसे कोई नीचे खड़ो के उठाएगा, जब उड़ जाता 100 कर इतना, तो मेरे पे दिखाने वाला था। मैं इसको देखिए उठती है गाड़ी, कितनी उठती है भैया, टच तो ना होगी। भाई साहब सही रहा, मैंने कम हाइट कर, बैक करनी पड़ेगी आगे, टच होगी ऊपर से ब्रेक करो लगा रखा है सिटी के भी, तो इसी से कितना गंदा हो रहा मेरा। ओ बस थोड़ी बची है, थोड़ी टच कर देखा, ऊपर टच हो जाएगी इसमें जाके। तो यार यहाँ तक आए, कुछ देख ही लेते हैं। और भाई मेरे को शूज़ लेने थे, बट शूज़ समझ में नहीं आ रहे कौन से लूँ, जिम के लिए भी चाहिए और ट्रैवलिंग के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ रनिंग शूज़ लूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर गाड़ी चलाते हैं तो रनिंग शूज़ सबसे बेस्ट रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। हमें कंफर्टेबल देखना, मुझे ये नहीं देखना जॉर्डन पॉड को, जॉर्डन से देखने नहीं है। सारे कपड़े लिए हैं मैंने, एक टी शर्ट और एक टी शर्ट ही है, बड़ी टी शर्ट का साइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि अभी मैंने जिम ज्वाइन किया ना तो उससे पंप हुई बॉडी, तो वापस से वही वाला रूटीन आ गया। तो भाई एक टी शर्ट है ये। अब एक्चुअली मुझे ना कॉलर टी शर्ट पहनना अच्छी लगती है, मैं नस दिखा रहा हूँ तो बॉडी दिख रही तुम्हें, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि कॉलर टी शर्ट पहनता हूँ, बट पता ही क्या होता है, ये लूज हो जाती है यहाँ से और फिर लूज होते पीछे से उठ जाती है, फिर थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी चलो चेंज करते हैं, एक टी शर्ट पसंद आई इसमें से, और जो ये पिंक वाला कलर ऑलरेडी मेरे पास सुपर ड्राई की है ये वाली। तो भाई शॉपिंग के लिए आया था बट कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली, और ना शूज़ में कोई मज़ा था और ना ही टी शर्ट्स, क्योंकि अभी एक्चुअली आया नहीं है समर्स का स्टफ, सारा भी पुराना रखा है। भैया मोह नीचे जानो, भैया मोह नीचे जाकर चल, तो चुप चुप जा रही है। तो उतना कुछ ज़्यादा था नहीं, अभी समर्स का है नहीं, अभी जो पुराना रखा था सब दूसरे पे, और डिस्काउंट भी नहीं था, बेसिकली डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट था नहीं उसमें, तो मकसद छोड़े काम करते रहने देते हैं, नेक्स्ट ट्रिप पे देख लेंगे। अभी वाले जो कपड़े हैं उनको पहन लेंगे। गाड़ी में अभी पेंट का काम स्टार्ट हो रखा है, कह रहे अभी तो भाई जा रखे गाड़ी पेंट के लिए, तो फ़ायदा जी क्या जाने का वहाँ पे। एंड अभी मेरे को ना शादी में जाना, अमन भाटी तो उसकी सिस्टर की शादी है, तो उसने भाई कल भी फ़ोन किया था और आज सुबह भी फ़ोन किया है, तो जाके पहले बियर्ड सेट कराते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे, और जाऊँगा नहाऊँगा रेडी होऊंगा, उसके बाद जिम, जिम से फिर रेडी होके फिर जाएंगे शादी में। लो भाई गिर दी मोटरसाइकिल वाला, अच्छा टक्कर भाई मोटरसाइकिल तो ठाल ले भाई, लड़ाई बाद में कर लियो, अरे चलेगी चलेगी जरा ले भाई, अलविश की गाड़ी आ ली, क्राफ्ट भी आ लियो। चार बिखेर दी मैंने तो घड़ी भरती। ले भाई, भाई क्या बात है, ले भाई जोगिंदर का सिस्टम ये तो निकले, ये तो सुन लो ब्लॉग में। ए राम राम भाई, बिक्की डॉन केड़ी चीज, एलिस यादव को नोम चले, गुड़गांव में नो चले, चला दे प्यार और सुना भैया कैसा हो भाई, हम तो वो है गरीब कैसे
घूमने चला तो बताओ, जब मैं घूमने की बात करूँ ना भाई, मार्च 19 के बाद मर्जी ले जाओ, बस मार्च 19 तक मैं सही नहीं हूँ। तू ठीक ना? सही में मार्च 19 के बाद मेरी सारी चलो फिर मार्च में तो रेडी हो। हाँ भाई इसे तो अभी ले जाओ घर पे, ये घर पे चार दिन ना पड़ा, इसकी मम्मी ना पूछा कहाँ है मारा छोरा, अपने अपने अपनी बात बताया करो, इसके घर पे तो ही ना पता, यूट्यूब पे वीडियो बना है अब पता लगवा दो भाई, अर्चित के पड़ोसी हो घर जाके बताओ इस बिल का था बाबू पॉइंट बिल को। अच्छा जी मैंने तेरी गाड़ी देखी नीचे, सुन मैंने यार यार जो तू रैप गाड़ी छोटी है तो रैप चढ़ो ना भाई, मैं दोबारा से फिर मैं नंबर प्लेट देखी, ओहो मकई तो गलत आदमी है। भाई फिलहाल चलते हैं जिम, एलवी सर जा चुके हैं एंड फिर जिम से हम फ्री होके, अरे यार चाबी कौन धरी आया मैं गाड़ी की, निकोट चाबी ढूंढ ला, भूल तो भाई चाबी भूल गया था, और ये चश्मे यार गाड़ी में रखने थे क्योंकि बाहर पड़े पड़े तो घर वाले खराब कर देंगे ना। फिर मेरे को जाना है कहाँ, अमनर के प्रोग्राम में, तो जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे जाना है कहाँ पे, हरिद्वार, और महाशिवरात्रि का प्लान कर रहा था मैं, बट वो यार नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर मेरे को ना काजा निकलना है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मगर यार काजा अगर मैं उल्टा रूट पर, मेरे लिए ना बहुत उल्टा रूट पड़ जाएगा अगर मैं हर, हाँ तो मेरे लिए वो बहुत उल्टा रूट पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ से पहले देहरादून से होते हुए शिमला निकलेगा रास्ता, बट फिर वो ये ना वहाँ से मैंने टाइमिंग देखा मैप गूगल मैप लगा के देखा तो वो भी ऑलमोस्ट 7.5 से 7.5 घंटे दिखा रहा था, तो यार फिर वो लंबा पड़ जाएगा, दिन यहाँ से पहले 5 घंटे की ड्राइव हरिद्वार तक, यहाँ से फिर 7.5 घंटे की ड्राइव शिमला, और शिमला फिर मेरे को स्टे करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं सीधा रुकूंगा रामपुरा, और रामपुरा से फिर सीधा जो रुकूंगा या तो काजा या नाको, तो वाइट स्पीति करने की सोच रहा था इस गाड़ी से, मगर थोड़ा सा रिकॉर्ड सेट करिए बट कोई ना रिकॉर्ड सेट करके आएंगे, और फिर यार वो ये ना कि अभी मौसम यही है बस, उसके बाद स्नो मेल्ट हो जाएगी फिर फायदा क्या जाने का कहीं भी, फिर तो सीधा लद्दाख जाएंगे, और लद्दाख के लिए ही मैंने इस गाड़ी को रेडी कराया है, और ये रेडी हो गई है ठीक है, इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस और हैं, थोड़े बहुत वो शायद करवा दें जल्दी से हम। और अब तो भाई एसी वाला टाइम आ चुका है फिलहाल, अभी तो टेम्परेचर देख रहे हो कितना 21 हो रखा है, और भैया बाद में कर लियो नहीं पानी पियो, काका एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग रहे हो गाड़ी में बैठे बैठे भी, ये देख रहे हो तुम टेम्परेचर 20 है फिलहाल बाहर का, यार कैसे चला रही है निब्बा, तो भाई फिलहाल तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी आज बहुत, मतलब मैंने पहली बार ऐसी टी शर्ट पहनी है जो कि इतनी ज्यादा लूज है, मम्मी कैसे लग रही है, बढ़िया लग रही है, दिखाऊं तुम्हें, हमारे मम्मी तो नर्स बन रखी है, ऐसा हुआ अच्छी लग रही है ना, बस मैं इसमें अच्छी सब जूते चेंज करने हैं मुझे, भाई साहब हमारे घर में इतना पूरा कुनबा बीमार पड़ा पूरे कुनबा, तो भाई फिलहाल एक बार चल देते हैं, आज लगा के आ जाते हैं फटाक से जल्दी से पहुंच के, मैं जिम में सिर्फ 2 एक्सरसाइज लगा के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, मतलब एक एक सेट ही, 2 एक्सरसाइज भी नहीं 2 एक सेट लगा के, फिर मैं यार लेट हो जाऊंगा, और फिर परम और हनी भी वेट कर रहे हैं, और करण दे के चला गया मुझे गोली, तो करण पहले कहने लगा मैं आ रहा हूँ, फिर बाद में मना कर दिया उसने कि यार मैं तो निकल रहा हूँ घर के लिए, तो भाई ठीक है, फिर अनुज भी आ रहा है, तो मैं चलो फिर मैं करण दान करके फ्री होकर फिर मिलता हूँ सबसे, निपटाना जी भाई साहब, बहुत देर से ट्रैफिक जाम में फंसा था, मैं लास्ट में ऑफरोडिंग कर लाया गाड़ी, तो खुद आ लिया मैं तो यहाँ खड्डे पड्डे, मगर मैं लेकर फ्लाइट करके मक चल आया यार, फायदे यहाँ तो लिया जा, ओ यहाँ तो पूरा ही तो कुत्ता बैल हुए पड़े भैया, यहाँ तो कल तक मेरा लिखड़ जा, क्या बुरा हाल हो रखा है भैया यहाँ तो, जब तक तो ये अंडरपास बन के रेडी हो गए तब तक तो यह बुरा हाल ही रहेगा भाई, गोल्फपुर एक्सटेंशन रोड पर तो मतलब हमेशा जाम ही रहता है, चाहे सुबह जाओ शाम का, जिस चक्कर में मैं खुद लेट निकला था, मगर 10 बजे के आसपास निकलूंगा तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा मुझे, क्या पता यहाँ इस टाइम पर ट्रैफिक मिलता है, और जब जल्दी होती है जब तो जानबूझ के मिलता है, ये आपके साथ भी होता है क्या, जब जल्दी होती है जब भी ट्रैफिक मिलता है, देखो कमी तो बस इस चीज की थी, एक बार दिखाओ तो, कमी तो इस चीज की थी, कैसा लग रहा है आप, तो मैंने क्या कही थी आती ऐसी कपड़े पहना करो ढीले ढीले, ऐसे कपड़े गिफ्ट कर देख रहा हूँ, अरे गिफ्ट करेगा अमन पार्टी, मेरी याद नहीं है आपको,
तेरी याद आई फिर मैंने देहरादून जाऊंगा फिर भाई मिला करना फिर क्या मैं बताओ कॉलेज में एंट्री बताओ कैसी बस एंट्री तो घोड़े पे पाकिस्तान कमी छाटने वाले इंसान है यहाँ बताओ कैसी है अच्छा यार बकाजी कभी अरे घर का प्रोग्राम कभी छोटे करे पूछ तो कभी छोटे करे गुलदस्ता धर तुम खुश हो रहे देख के ना ऐसा लग रहा है तुम बाहर के ना वेट कर रहे बहुत देर से 10 मिनट करते करते मैंने आधा घंटा लगा दिया अभी तो मेरे को कम से कम यहाँ से 20 मिनट और लग जाएंगे पहुंचने में फिर मैं ले रहा हूँ एनएच8 से सीधा उतरूंगा कहाँ राजीव चौक नहीं सीधा उतरूंगा इफ्को चौक और इफ्को चौक से सीधा बुलेटो का है क्योंकि अगर बीच से जाऊँगा तो वहीं अभी पर देख रहा था ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो रखा है सही में अच्छी लग रही है क्या तो सीन भी तो ऐसा है कि मैंने पहली बार ऐसे लूज कपड़े पहने हुए अदरवाइज मैं हमेशा वैसे कपड़े पहनता हूँ फिटिंग वाले बट कोई नहीं अब दोनों तरफ के फैशन अजमाया करें तुम्हारा भाई मुझे लूज कपड़े पहले पसंद नहीं थे क्योंकि जब जो जिम वाला इंसान होता है ना उसको ना तो फिटिंग के कपड़े चाहिए होते भाई हाँ मेरी बॉडी दिखनी चाहिए बट अब नहीं अब बॉडी तो है पर कपड़े काट करने कपड़े निकलने के बाद बॉडी दिखे करेंगे ऐसे करेंगे फिर हम जल्दी आ गए भाई भाई आपने बुलाया लेट था मेरे को बहुत जल्दी शाबाश अरे यार दो तीन प्रोग्राम से डेड वे यार डेड बियर मरा हुआ भालू अरे हम तो जिंदे हैं भाई ठीक है भाई और भाई क्या चल गले में चैन पैर का तो लगी टोरे मार रहा हूं अरे मैं क्यों सुन मेरी बात है अरे चल ये कौन में कुंडल है गले में चैन अरे वो समझ जा बात बंद कर ले देख कैसे ये देखना बिना कुछ बोले इंसान कुछ भी नहीं है बोल ले करो कुछ भाई क्या बोले अच्छा रहता है जब आदमी अंदर से जय माता दी जय श्री राम तू भी बोले हां भाई कांग्रेचुलेशंस फॉर 50k भाई YouTube पे भाई के सब्सक्राइबर हो गए 50k कंप्लीट भाई देख तेरी गलती ना ब्याह के बाद तो बोलो ना जाओ अच्छा अच्छा बोल खत बोलती खत्म कर दे काले सिर की तो चीज ऐसी अच्छे अच्छे चीज बंद कर दे तू तो क्या चीज हो रहा तू कर अन्य अभी मनी मन में जो तेरे को कह रहा सबटाइटल में नीचे लिख के आ रहा है यार ऐसे मत देखियो गाली देने लग रहा है गाली दे सके जहां दे भी जहां दे सके वहां दे दी ले कुछ भी कह के दिखा तो चू भी कहते नहीं कैमरा ऑन होते ही चार्ज हो जावे उससे पहले तो बंद रहे चुपचाप ये बैटरी की भाई कैमरा छींट रहे क्या बोल रहा था भाई तू भी मैं बहुत चौड़ा हूँ मैं चौड़ा है भाई मेरे लिए बोल रहा है तू भाई इस बंदे में 6 फुट कितनी इंच हाइट है 6-1 हाइट तेरी कितनी है तेरे तो छोड़ दे 5-6 के आसपास हो अरे ऐसा है ना भाई तेरा हाथ में कैमरा छोर मारो छोर मारो सारे बता भाई 5:11 और तेरी 6:11 भैया तुम बता दो तुम 5:10 लड़की के बाद बात करें 5:10 अब मैं बताता हूँ कितनी भाई मेरी 5:08 है यहाँ पे कुछ कट हुआ था ना उसका मतलब समझ जाओ हन्नी की बहुत अच्छी खिंचाई हुई थी बट भाई मैं एक चीज बोलूंगा तेरा वेट कितना तेरे अंदर ओए मार मत यार डर ना करो मैं 90 केजी मेरे अंदर है 81 तेरे अंदर कितना है भाई 80 है झूठ बोल रहा 82 है भाई कपड़ा समेत की नाम क्या है 82 है और तेरे अंदर भाई 90 ज्यादा लग रहा है इसका 92 से ज्यादा लग रहा है ज्यादा लग रहा है इससे भाई मेरी 40 फिट है यार भाई तुम यार ये गल तो मार के हाथ यार ये देख लो गाइस हाथ खाने लग गया बहुत बोल रहा है तू भाई मेरा बयान हो मैं बोलूंगा पकड़ इसको पकड़ अब यहां अगर आप हेल्प कर सकते हो कर दो भाई टाइम हो चुका है 1:30 बज रहा है और 1:30 बज रहे कौन क्रिकेट खेल रहा है बंदा और यार ठंड लग रही कौन खेल रहा है तो कह रहा हूँ मैं अच्छा और मेरी कह रहा है भाई और सारे जा चुके हैं हम दोनों बैठे मैं यार भाई भूख लग रही है लेक्चर चल रहा है दोनों भाई ने एक दूसरे समझा लग रहे
ओ भाई देखी पत्थर मार दी गाइस के करे ना करा ना सब नहीं कर रखी है चीज हां पत्थर से कर रखे है सभी कर रहा है भाई वो तो पूरे या पत्थर पड़ोबा में ठोकर तो मार के ले जाना कितने डुबकी खानी है वो चीज भी करी है सब कुछ करा भाई भैया भाई चाबी अंदर रहेगी वहां छोड़ आया फिर वहां से स्टार्ट होगी कहां से वहां छोड़ आया कैफे में अच्छा सुन हाँ भाई चाबी अंदर रहेगी थी एप्पल टैग लाना पड़ेगा चक्कर में और चाबी मेरे पास एक जगह भी वो बहुत जरूरी चाबी के लिए बनाया हाँ चाबी के लिए वॉलेट के लिए एयरपोर्ट्स के लिए इतनी भूख लग रही है हमें तो भाई लैंग्वेज ओके कहते हैं वो तो बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे बाकी हम फिर यार साथ साथ सैंडविच खा रहे हैं भूख लग रही है मैं टेंट में जिम के ना शादी में मैं खाता नहीं हूँ शादी के ना खाया मतलब मन न कर मैं तो ना आवे ओ भाई साहब अभी अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ सामने गाड़ी के एयरबैग तो सब खुल के देख लो गाड़ी के एयरबैग खुल गए वो ये ना एक साइड को रॉन्ग साइड थोड़े चक्कर में देखो ऑटो फिट कर गाड़ी भाई तो भाई टाइम हो चुका है 1:57 फ्लाइट निकल लिया घर के लिए एंड भाई हाँ थोड़ी देर बैठ रहे ऐसी बात करते रहे कुछ एंड नेक्स्ट ट्रिप की जो प्लानिंग थी वो चल रही थी मेरी तो आ लियो अरे इनको तो प्यार है मेरे को भगवान कसम लारम खाना ला रहा हूँ वेट करो चल ऊपर चल आ जा खाना ओए गिरे ले पकड़ पकड़ जा थम खाओ तो कर देते इस व्लॉग का एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना मिलते हैं कल के व्लॉग में जब तक अपना प्यार दिखाओ वफादारी दिखाओ जब तक कमेंट सेक्शन भर के रख दो